वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक में सेंटर लॉकिंग लगाने का सही तरीका। सेंटर लॉकिंग लगाने के लिए बाइक का साइड वाइजर खोलना होगा। वाइजर खोलने के बाद हमारी बाइक का सीट भी हमें खोलना होगा। सीट खोल लेने के बाद हमारी बाइक में सेंट्रल लॉकिंग लगाने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, सेंट्रल लॉकिंग का AJG कंपनी का है। इसको लगाने के लिए हमें दो कपलर मिलते हैं जो मेन यूनिट है, और ये एंटीना का वायर होता है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले मिलते हैं, इनमें जो दो येलो वायर हैं उनको मैंने यहाँ से निकाल, दोनों वायर के अंदर मैंने एक एक टुकड़ा अलग से तार एड ऑन किया है, क्योंकि येलो वायर की लेंथ पीछे के लिए कम पड़ रही थी, इसलिए इन येलो कलर के वायर को हमें बाइक के पीछे के दोनों इंडिकेटर के कपलर में एक एक वायर देना होगा। एक येलो वायर ऑरेंज कलर के कपलर में देना होगा जो इस इंडिकेटर का है, और दूसरा में ब्लू कलर के वायर के साथ कपलर में एड ऑन करना होगा। सेंटर लॉकिंग के ब्लू कलर के वायर को हमें सेल्फ रिले में देना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें सेल्फ रिले को बाहर निकालना होगा और इसका कैप भी निकालना होगा। सेल्फ रिले को बाहर हम निकालेंगे, इसके लिए हमें हमारे सेंटर लॉकिंग के ब्लू कलर के वायर का कनेक्शन इस तार में देना होगा। येलो पे रेड कलर के वायर में इसका कनेक्शन करना होगा, जो कि ये है। इसके लिए हमें सेल्फ रिले को निकालने के बाद इस वायर को हमें इसमें एड ऑन करना होगा। इसके लिए येलो पे रेड कलर के वायर के कप में ही इसको ऐसे डालना है और ऐसे पकड़ के कपलर को वापस लगा देना है। सेल्फ रिले को अपनी जगह वापस लगा लेंगे। अब हम सेंटर लॉकिंग के नेक्स्ट वायर पे आते हैं, जो वायर है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर के वायर को हमें ECU के कपलर को खोलते हुए ECU में इसका कनेक्शन देना होगा। ECU में कनेक्शन देने के लिए अपने ऑरेंज कलर के वायर को थोड़ा लंबा छीलना होगा और ECU के कपलर में जो रेड पे ब्लैक कलर का वायर है उसके अंदर इसको एड ऑन करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, रेड पे ब्लैक पट्टी है, इसी वायर के अंदर इसका कनेक्शन देना होगा, जो यहाँ से आगे की ओर आता है। इसके जो मेन वायर को इस पॉइंट के अंदर इसको डालना होगा, जो छेद है फर्स्ट नंबर का, उसके अंदर इस वायर को डालकर इस ECU के कपलर को ECU में एड ऑन करना होगा। इसको आराम से लॉक करना होगा। ये ऑरेंज कलर का वायर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सेंटर लॉकिंग के दूसरे वायर, जो ग्रे कलर का वायर है, इसको अभी हमें कनेक्शन देना होगा। इसका कनेक्शन आप बॉडी अर्थिंग के रूप में दे सकते हैं
वोल्ट के नीचे कहीं भी। मैंने इसका कनेक्शन यहाँ पे अर्थिंग के रूप में दे दिया है नट के नीचे। इसका भी कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस नट के नीचे आप इसको डाल के टाइट कर देंगे तो इसका कनेक्शन कंप्लीट होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास दो वायर बचते हैं जो मेन वायर हैं इंटरलॉकिंग के, ब्लैक और रेड। ये हमें बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव में इसका कनेक्शन देना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लैक वायर है, इसको हम छील लेंगे और इसका कनेक्शन बैटरी के यहाँ देना होगा। इसके लिए हमें पेचकस की सहायता से इसको खोल करके इसमें अंदर डाल के इसको टाइट करना होगा। जो रेड कलर का वायर है सेंट्रल लॉकिंग का, इसको इसको टाइट करने के बाद ब्लैक कलर के वायर को हम बैटरी के नेगेटिव में इसका कनेक्शन देंगे। बैटरी का नट खोलेंगे। और इसका कनेक्शन बीच में हम दे देंगे। इंटरलॉकिंग के मेन वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास एक वायर बचता है। ये दो वायर हमने बैटरी में दे दी। येलो कलर के वायर हमने बाइक के दोनों इंडिकेटर के कपलर में दे दिए हैं और जो ऑरेंज कलर का वायर था उसे हमने ईसीओ के अंदर कनेक्शन दे दिए हैं। और अब हमारे पास पिंक कलर का वायर बचा है जिसको भी हम बॉडी अर्थिंग में दे देंगे। अब हम सेंट्रल लॉकिंग के इस सायरन को भी हेड ऑन करना होगा। इसके लिए इसके साथ ही हमें कपलर मिलता है। इस सायरन को हम यहाँ लगा सकते हैं जो यहाँ पे लगा रहेगा। इस कपलर को हम यहाँ से निकाल के मेन यूनिट को हमें लगाना होगा। इसको हम यहाँ टंकी के नीचे डाल देंगे। इस यूनिट को नीचे अच्छी तरह डाल लें। अब हम इसके दोनों कपलर बंद करेंगे। जो मेन बड़े कपलर हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। फिर हम सायरन के छोटे कपलर को भी जोड़ लेंगे। दोनों कपलर हमारे बंद हो गए हैं और ये एंटीना का वायर है जिसे हम आगे निकाल के छोड़ देंगे। सब वायरिंग को हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे। हमारी सेंट्रल लॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी कनेक्शन में आपको समझने में कोई
समस्या हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कनेक्शन बता दूंगा। ये हमारा सेंट्रल लॉकिंग का रिमोट है। हमें दो रिमोट और एक चाबी मिलती है, दोनों में ही रिमोट कंट्रोल होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, देख सकते हैं तो रिमोट से ये वर्क करने लग गया है। जैसे ही सेंट्रल लॉकिंग के बटन में मैं बाइक को ऑन करता हूँ तो मेरी बाइक देख सकते हैं आप, बाइक में चाबी नहीं है और इसमें लाइट चल सकती है कि मेरे पास है। और सेंट्रल लॉकिंग के रिमोट से जैसे ही मैं बाइक अनलॉक करता हूँ तो लाइट बंद हो जाती है। जैसे ही सेंट्रल लॉकिंग के रिमोट में हम पावर बटन को डबल बार क्लिक करते हैं तो बाइक स्टार्ट हो जाती है, आप देख सकते हैं। और जैसे हम रिमोट के अनलॉक वाले बटन को डबल बार प्रेस करते हैं तो बाइक बंद होती है, आप देख सकते हैं। सेंट्रल लॉकिंग से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।